प्लांट एक नेचुरल और बायोमिमेटिक कूलिंग सॉल्यूशन, जिसे हम बिल्डिंग्स के फसाड्स यानी बाहरी दीवारों पे लगा सकते हैं, जो एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह ये काम करता है, जिसे हम बिल्डिंग्स में 30-70% तक एयर कंडीशनिंग लोड को कम कर सकते हैं, यानी 30-70% इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को हम कम कर सकते हैं। हम कूलेंट को घरों में, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस में लगा सकते हैं और उनकी नीड्स और लोकल क्लाइमेट के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। अभी तक हम 30 बिल्डिंग्स में इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। हम एक ऐसा टूल पे भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन टूल पे, जिससे कोई भी अपना बिल्डिंग का फसाड को लोकल क्लाइमेट, सन एंगल और नेचुरल वेंटिलेशन के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में जितना भी बिल्डिंग्स बने, एक क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बने और हम सब मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करें। ये सपना पूरा करने के लिए मेरा आस्क है 90 lakhs against 1%। So sharks, let's beat the heat with buildings that breathe. ये ज़्यादा outdoor की indoor है. This is for outdoor. A more outdoor. The building envelopes. Yes. So regular जो building होता है आपका, it is made like this. जिसमें air conditioning या ventilation के बारे में सोचते नहीं है. ये चार stages में काम करता है. First, it acts as a shading device. Secondly, इसकी जो spacing है, we can adjust it according to the sun angle and orientation. And third, ventilation. Ventilation से हम बहुत ज़्यादा problems को solve कर सकते हैं. And the last and the final thing is evaporative cooling. इसके साथ अगर हम पानी ऐड करें, which is a traditional जो सिस्टम है, जो भी हवा इसके अंदर से जाके बाहर निकलेगा तो naturally आपको ठंडा मिलेगा। हवा मिलेगा। एक बार पानी चला के दिखाएंगे कैसा इसमें रहता है? Yes. ये वाटर जब गिरता है इसके ऊपर, this gets wet and terracotta पानी को absorb करता है। So वाटर को आपको regularly चलाने की जरूरत नहीं है। Plus गीली मिट्टी की खुशबू आएगी। Yes. वो तो आ ही रही है थोड़ी थोड़ी। ये आप मैनुअली मूव करेंगे कि ऑटोमेटिक? नो, ये क्लाइमेट और लोकल एंगल के हिसाब से एक बार सेट कर लेते हैं। एक बार सेट कर लिया, सेट कर लेते हैं। एंड बट एक प्रोजेक्ट में क्लाइंट आल्सो वांटेड टू मूव इट, इट्स पॉसिबल, इट्स मोर एक्सपेंसिव। बिल्डिंग का फसाड ऐसे रहे? Yes. आपके पास फोटोज भी है ना? और yes. दिखाइए। सो दिस इज सम वर्क दैट वी हैव डन इन द पास्ट एंड स्टूडियो। ये आपका खुद ही का स्टूडियो है? Yes. कितना लोकल टेम्परेचर्स इन पीक समर्स एक्सीड 50 degrees, इससे हमने वी गॉट इट डाउन टू मिड 30s। बट आई कैन नॉट जनरलाइज दिस बिकॉज 40 से 25 तक नहीं ला सकता, 50 से इजीली आई कैन ब्रिंग इट डाउन टू 30-33। आपने जो अभी 30 बिल्डिंग्स किए हैं, क्या वहां पे ये कमर्शियली प्रूवन है कि 30-70% का सेविंग आया है उन्हें? ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट दैट वी हैव डन फॉर आर्मी कमांडर्स मेस इन आर्मी। अच्छा। एक पूरा फ्लोर पे वी हैव इंस्टॉल्ड दिस इन अ स्पेस ऑफ 2500 स्क्वायर फीट, जहां पर हमने इसको इंप्लीमेंट किया है। पूरा स्पेस को हमने थर्मल कंफर्ट एनालाइज करके वी हैड कन्वर्टेड दैट इनटू नेचुरल वेंटिलेशन, उसमें कोई एसी नहीं है। और ये ऑलरेडी उन्होंने देखा है कि जो एयर कंडीशनिंग का खर्चा था वो 30% से कम हो गया। 30% नहीं, लाइक 70% इसमें आपका अपना क्या है ये? तो अगर जैसे आज टीवी पे आ गया, देख लिया, मिट्टी के जो बनाने वाले लोग हैं वो देख सकते हैं कि ये कैसे होता है। ये जो मिट्टी का जो पॉट्स है ना, ये हमारा सबसे पॉपुलर और बेस्ट प्रोडक्ट है। इसको हमने ओपन सोर्स कर दिया है। आई हैव शेयर्ड ऑल द मटेरियल ऑनलाइन, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको और लोकली बनाएं और इसको कॉपी करें और इसको हर जगह पे यूज करें। अच्छा, मेरे लिए ये अभी इन्वेस्टेबल नहीं है बिकॉज ये जो कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस है, इसमें आपका प्राइमरी लॉन्ग टर्म में बायर होगा बिल्डर, एंड वो बिल्डर सेलिंग वाली जो सेल्स फनल होती है उसमें 60-90 days की क्रेडिट साइकिल होती है, रिकवरी इश्यूज होते हैं एटलीस्ट इंडिया में। तो एज ऑफ नाउ वैसे बिजनेसेस में मैं इन्वेस्ट करने वाली रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, तो आज मैं आपके साथ इसमें जुड़ नहीं पाऊंगी, बट लव द वर्क दैट यू डूइंग, कांग्रेचुलेशंस। ये ओपन सोर्सिंग के मैं खिलाफ हूँ बिकॉज हमारा जो एक पूरा थिंकिंग अराउंड स्केल है स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी चेक्स। तो जब आप ओपन सोर्सिंग करते हैं तो वो लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी चेक्स पे मुझे भरोसा नहीं होता है। सो टुडे आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। आपने जो शुरुआत करी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर मुझे लगता है इसके लिए आपको थोड़ी समय लगेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज अ कस्टमर मैं बहुत इंटरेस्टेड था शुरुआत में, पर क्योंकि अभी कमर्शियल नहीं बैठा है तो मैं उसमें थोड़ा समय इंतजार करना चाहूंगा। आप जब आपका ठीक से पेबैक का कैलकुलेशन बन जाए, आप प्लीज वापस से मुझे रीच आउट करिएगा, हम लोग बिल्कुल आपसे मिलेंगे और इसको साथ काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर इससे इफेक्टिव होता है तो मैं अपने एडमिन टीम को जरूर बोलूंगा, हमारे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आते हैं, डर लगता है देख के, तो शायद कम हो जाए थोड़े से। बट मेरे को एक्साइटमेंट नहीं आई कैटेगरी में, अनफॉर्चुनेटली मजा नहीं आएगा तो मैं आपके साथ काम ही नहीं कर पाऊंगा, वो सजेशन भी नहीं दे पाऊंगा, और 90 करोड़ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट। मिलते हैं दिल्ली में कभी। मुझे क्या लग रहा है ना मुनीश, आपका एक प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है तो आपके रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना आगे के काफी अनप्रेडिक्टेबल है।
तो कोई भी तरीके से इसको अंडरराइट करना बहुत मुश्किल है। अभी तक वो बात नहीं है कि आप मॉड्यूलराइज हो गए हो, सर्विस बिजनेसेस अदर आर्किटेक्चर फर्म्स आप पे ऑर्डर डाल रहे हैं और आप ऑर्डर बुक बना रहे हो, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको अंडरराइट करने के लिए। इस वजह से मैं आउट हूँ। इंडिया का पहला थ्रिफ्ट प्लेटफॉर्म जहां आप प्री-ओन्ड कपड़े थ्रिफ्ट कर सकते हैं। सिंपल, प्री-ओन्ड कपड़ों को रीयूज करना थ्रिफ्टिंग कहते हैं। थ्रिफ्टिंग इंटरनेशनली तो काफी पॉपुलर है, पर हम इंडियंस तो बरसों से थ्रिफ्टिंग में माहिर हैं। इधर का माल उधर, जैसे सारा के कपड़े मम्मी मुझे पहनाती हैं और कॉलेज में अल्फिया मेरे कपड़े चुरा लिया करती थी। वेयर इज माय रेड टॉप। इंडियन के जो माइंडसेट है वो बचत करने का है, रीयूज करने का है, यही हमारा कॉन्सेप्ट। बॉम्बे क्लोज़ेट चैंस पे आप प्री-ओन्ड कपड़े शॉप, स्वॉप या सेल कर सकते हैं। हम इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली ब्रांड है जहां आपको अपने पुराने कपड़ों के लिए अपफ्रंट पेमेंट मिल सकता है। ये बिजनेस हमने सना के खुद के क्लोज़ेट क्लेंस से स्टार्ट किया है और आज तक हमने 5,000 से ज्यादा क्लोज़ेट क्लेंस किए हैं। हमारा फोकस है ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस, इसलिए मुंबई में हमारे दो एस्टेब्लिश्ड ऑफलाइन स्टोर्स हैं, पर हमारे आउट ऑफ मुंबई कस्टमर्स और फैंस के लिए हमारी वेबसाइट भी है। शार्क्स, हमारा मिशन है कि हम प्री-ओन्ड कपड़े रीयूज करें, उनकी लाइफ साइकिल बढ़ाए और किसी भी तरह उन्हें लैंडफिल से जाने से रोकें। और इसके लिए हमारी आस्क है 1 crore for 2.5% इक्विटी। सो शार्क्स, लेट्स गो थ्रिफ्टिंग। वाओ, आपका इंस्टाग्राम पेज देख सकते हैं? यस प्लीज, बहुत इंप्रेसिव। हाउ मेनी फॉलोअर्स? 72,000 से ज्यादा। ओह वाओ, ये बुटीक अगर आप देखेंगे थर्ड वाला, तो यहाँ पे आपको हमारा बांद्रा स्टोर दिख जाएगा। अभी हमारे पास दो स्टोर्स है, एक वर्सोवा में और एक बांद्रा में। नहीं, अच्छा है, आपका आइडिया अच्छा है और प्रॉब्लम भी है और सॉल्व भी हो रही है। तो आपकी कितनी सेल है और कितना पैसा कमा रहे हो? तो ये फाइनेंशियल ईयर हमने 1.9 करोड़ के सेल्स करे। वेरी नाइस। पिछले 6 महीने में कितना कर लिया? अभी अब तक हमने अक्टूबर तक 1.5 करोड़ किया। लास्ट मंथ कितना? 20 लाख। 60% बांद्रा स्टोर से आता है लगभग, और तो 12 लाख एक स्टोर से, 6 लाख 8 लाख दूसरे स्टोर से। बहुत ही छोटा परसेंटेज 3-4% वेबसाइट से आता है। तो इस ईयर पूरा कितना करोगे? तो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2.5। प्रॉफिट कितना? 15% इवेंचुअली आ जाएगा। थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक समझा दोगे? तो 500 हमारा ASP है, उसमें से 5% GST निकल जाता है। 475 में 120 हमारा कॉग्स है। इसके बाद जो 355 बचता है, उसमें मेरा 248 अभी फिक्स्ड एक्सपेंस है। मार्केटिंग अराउंड 6% मेरा CAC होगा, पर हाई एस्टिमेट है क्योंकि हम इतना स्पेंड करते नहीं। इक्विटी स्प्लिट क्या है? 60-40 मेरा, 60-40 अल्फिया का 40। बैंक बैलेंस क्या है? बैंक बैलेंस अभी नेगेटिव है। नेगेटिव? बैंक बैलेंस नेगेटिव कैसे होता है, इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि हमने अभी एक अनसिक्योर ओडी ली है। वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा अटका हुआ है? वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा अटका हुआ है? एज इट वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन जानती हो? इन्वेंटरी, वही तो प्रॉब्लम है। और रिसीवेबल, ये मुझे समझाइए आपके नेक्स्ट 3 ईयर जर्नी। हम 2-3 चीजें करना चाहते हैं। पहली बात तो क्योंकि हमने बिल्कुल ही देखा नहीं है कि पेड मार्केटिंग से क्या हो सकता है। कुछ नहीं होगा आपका। Apart from that, obviously, aggressively, we want to grow and open more stores. Okay. We want to strengthen the base of operations. Of course, challenging hai, par aisa nahi hai ki nahi ho sakta. Agar hum ek central system banaye jisme kapde collect ho rahe hain aur sort ho rahe hain. Got it. Main abhi isse out hota hu for couple of reasons. Ek do shop chalana, 5-10 shop chalane tak maximum theek hai. Par ye scale issues aayenge aage jaake, kyunki aap क्वालिटी इस पे मेंटेन नहीं कर पाओगे जो लोगों को चाहिए। करेक्ट। स्टॉक इश्यूज का बहुत बड़ा इशू आएगा आगे जाकर। आपका स्टॉक बिकेगा नहीं ना, तो धीरे धीरे आपकी क्लियरेंस का प्राइस कम होता रहेगा और क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। इसमें डिमांड कितना है वो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक छोटा आपका अच्छा बुटीक बिजनेस बन जाएगा, आप पैसे बना लोगे, बट ये कितना स्केलेबल है वो मुझे अभी दिख नहीं पा रहा है। आप प्लीज थोड़ा सा ऑपरेशनली बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाइए, थोड़ा सा टीम में अब इन्वेस्ट करिए। आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, because inventory will become your problem. Yes. Yeah. अभी जो आपका presentation है ना, ये थोड़ा सा वो बाजार वाला लग रहा है। And I think चाहे आप सस्ता बेचें, पर aspiration को कम ना करें। अभी थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। I really wanted to, you know, support two very very enterprising women, पर अभी
बहुत सारे गैप्स हैं राइट नाउ. दिस इज नॉट इन्वेस्टेबल. प्लीज डोंट गो इनटू नेगेटिव कैश फ्लो. आप अच्छे से प्रॉफिटेबली चला सकती हैं. या आई एम आउट फॉर नाउ. ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. थैंक्स फॉर एवरीथिंग. थैंक यू. बाय. फार्म दीदी आज अपनी मोबाइल ऐप के जरिए ग्रामीण महिलाओं को फूड बिजनेस की ट्रेनिंग देती है और गांव जाकर वहां उन्हें क्वालिटी और हाइजीन के साथ फूड प्रोडक्ट्स बनाना सिखाती है. हमारे अब तक 1500 से अधिक दीदियां हमसे जुड़ चुकी है, जिसमें से 70 से अधिक दीदियां फार्म दीदी बन चुकी है. तो शख्स, हम चाहते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से देश के लाखों परिवार तरक्की करें, और अपने इस मुकाम को तेजी से हासिल करने के लिए हमें चाहिए आपका आशीर्वाद और 50 लाख के इन्वेस्टमेंट 2% इक्विटी के लिए. ऑलराइट, नमस्कार. 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 एक काफी बोल्ड लक्ष्य के साथ आपने अपनी पिच सुनाई कि 10 लाख महिला को आपको रोजगार देना है. तो ये 10 लाख नंबर आया कहां से? सर, एक बात क्लियर थी कि जब अपनी इतनी अच्छी फैंसी जॉब्स को छोड़ के कुछ काम करना था तो बहुत बड़ा करना था. छोटे मोटे के लिए तो नहीं छोड़नी थी जॉब. असल तो करनी थी. मेरे ख्याल से विनीता मैम भी हमेशा यही कहती हैं, तो फिर बड़ा ही क्यों ना करें. तो ये एक तरह से सिर्फ बिजनेस नहीं, आपका पर्पस ड्रिवन बिजनेस हो गया. यस यस यस. मेरे को याद है एक कल की बात है, फार्म दीदी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कुछ अच्छा। कुछ लेके आई हूँ मैं आपके लिए, मैं दिलवाऊंगी आपको. मैं आपको उनकी बात याद दिला रहा था कि उन्होंने कुछ कहा था. ठीक है जी. एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस सीट पर बैठ के, पहले मिलता है. थैंक यू अनुक्ति. सबसे पहले तो आम का अचार, जो सबको सबका फेवरेट आम का अचार है, सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट. इसमें नीम के पत्ते भी डले हैं. मेरे पापा और भाई का फेवरेट चिली पिकल भी है, जिनको तीखा बहुत पसंद है. मुझे भी तीखा पसंद है. चिली पिकल बहुत अच्छा है. थैंक यू. ट्राई किया. और एक खट्टा मीठा नींबू का अचार है जो हर लड़की का फेवरेट होता है. लेमन पिकल बहुत अच्छा. ये जो आपने सर्व किया है ना, बहुत अच्छे से किया है. वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड बहुत यम्मी अचार है. थैंक यू. करेला का अचार मैंने पहली बार खाया. हां जी, वो ऑयल फ्री में. मैं खाती नहीं हूँ करेला, लेकिन मुझे करेला का पिकल बहुत पसंद आया. एंड मेरे जैसे गुज्जू को अगर छुंदा पसंद आया, मतलब आपको अप्रूवल मिल गया. अभी सिर्फ थेपले की कमी है. अभी धंधे पे चलते हैं. सेल्स बता दो. बता दीजिए. 6 लाख, 7.6 लाख और 10.1 लाख, ये हमारा लास्ट 3 मंथ्स का सेल है. साल वाइज फर्स्ट ईयर में हमारा 55 लाख का सेल था. हमने जून 2022 में सेल्स स्टार्ट किया था, और अभी तक इस साल हमारा 60 लाख के अराउंड सेल हो चुका है. और साल तक कितना होगा? सर, 1.5 CR का वैसे हम टारगेट लेके चल रहे हैं. सप्लाई प्रॉब्लम है या डिमांड प्रॉब्लम? अभी हमारे लिए डिमांड जनरेट करना ही मेन टारगेट है, क्योंकि दीदी हमारे पास हैं जो रेडी हैं, जिनको हम बिजनेस दे सकते हैं. क्या प्राइसिंग है आपकी? मदर्स रेसिपी से कंपेयर करके बता दो ना कितना ज्यादा है. मैम, उनसे कंपेयर करेंगे तो उनका अराउंड 350-400 kg आता है, हमारे 800 kg आते हैं. 100% प्रीमियम ब्रो. बट उससे हमारे से महंगे भी काफी प्रोडक्ट्स हैं. ऐसे अचार में आते हैं जो 2000 किलो भी दे रहे हैं. अच्छा, आपने 25 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है. आपकी सेल्स है 1 करोड़. ऑप्टिमिस्टिक भी अगर मैं आपको वैल्यूएशन दूं तो मैं 5 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकती हूँ. तो आई थिंक ये 20 करोड़ का वैल्यूएशन करके थोड़ी सी आपने गलती कर दी है. थोड़ा सा आपने सेल्स के हिसाब से एंड नॉट आपके एम्बिशन एंड फ्यूचर सेल्स के हिसाब से आपने वैल्यूएशन मांगना चाहिए. दैट इज माई सिंसियर फीडबैक. आई एम आउट. 50 lakhs for 10%. So valuation of 5 crores. Okay. Straight equity. That's my offer. मैं भी आपको सेम ऑफर देता हूँ. I would actually like to partner with Anupam. If Anupam is okay, of course. मैं आपको 50 lakh ऑफर करती हूँ for 5%, which is a 10 crore का valuation. Good. विनीता का ऑफर बहुत अच्छा है. तो unfortunately मैं भी out हूँ. क्योंकि आपको हेल्प तो मिली गई है. आई थिंक ये जो ऑफर आपको मिला है, मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. तो आई एम आउट. मेरा ऑफर वही है, 50 लाख, 10%. आई थिंक विनीता अकेले करना चाहती है. अगर वो अकेला नहीं करना चाहते तो फिर भी मैं जुड़ जाता. चलो विनीता, आप अकेले क्यों करना चाहते हैं? छोटा डील है, इस मल्टी शॉप डील का स्कोप नहीं है. एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट इजीियर. वी विल गिव यू 1 करोड़. ओके. एक सेकंड, अभी उसको बोलने दीजिए. यू फिनिश.
If she's okay, she's okay. If otherwise, no problem. So because I think we want 5% each minimum on the same terms. So then you have 1 crore of money. Guys, let's make a decision. क्या decision है बताइए final. सिर्फ दोनों में रहेंगे तो बहुत अच्छा है. चलिए तो बताइए डील पक्की पक्की डील पक्की. All right, congratulations guys. Good one. अब हर घर में होगी फार्म दीदी. अरे वाह लवली. और विनीता दीदी विनीता और पीयूष भैया. थैंक यू थैंक यू.